दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसा अजूबा दोबारा ना बन सके। लेकिन इस समय बिग बॉस का लाइव फीड में खाना इतना शानदार बना है कि यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने अपनी गर्लफ्रेंड आयशा के हाथों को चूम लिया। दरअसल आपको बता दें कि आज जो खाना है वो आयशा ने बनाया था, और आयशा का खाना यहाँ पर जब अभिषेक ने खाया तो अभिषेक ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स के सामने आयशा के खाने की जमकर तारीफ कर डाली। जी हाँ दोस्तों, विक्की भैया ने भी यहाँ पर आयशा के खाने की जमकर तारीफ की है, और विक्की भैया ने भी कहा कि यार खाना तो बहुत तगड़ा वाला बनाया है। वहीं इसके बाद में अभिषेक कहता है कि यार खाना तो ना मैंने इस घर के अंदर रिंकू जी के हाथ का अच्छा खाया है, मुनव्वर के हाथ का अच्छा खाया है, लेकिन आज आयशा ने इन दोनों को टक्कर दे दी। आज तो आयशा ने बहुत कमाल का खाना बनाया है। ये सुनकर भाई साहब मुनव्वर इतने इंप्रेस होते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता। मुनव्वर लेटे हुए थे, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद मुनव्वर अपनी जगह से उठते हैं और खाने को टेस्ट करने के लिए टेबल पर जाकर एक बाइट लेने लगते हैं। और इस दौरान जब मुनव्वर ने खाना टेस्ट किया तो मुनव्वर भी भाई साहब इतने इंप्रेस होते हैं कि वो सीधे आयशा के पास गए, अपने हाथों पर एक किस किया और आयशा के हाथों पर हाथ रख दिया। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट तो किस नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहना चाहा कि वाकई आपके हाथों में जादू है, आपने कमाल का खाना बनाया है। ये सुनकर यहाँ पर आयशा भी जो है वो काफ़ी खुश होती है। जी हाँ दोस्तों, आयशा के बने खाने से मुनव्वर इतने इम्प्रेस हुए हैं कि उन्होंने घर वालों के सामने उनके हाथ चूम लिए, और आयशा भी इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है क्योंकि घर के अंदर उनके हाथों की, उनके खाने की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।